जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है आवाहनम न जानामि,
न जानामि विसर्जनम पूजनम चैविना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं, यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी, देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल बीते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से
वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं, मैंने आपके दर्शन किए मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने, उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी, उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था, मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या।
लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं, या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था, लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको, इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है,
शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गूढ़ार्थ को सांगोपांग विवोचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये शंकरत्व का जागरण था। यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है सम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित था। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, नमे द्वेष रागो नमे लोभ मोहो मदो नैव मैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, नमे मृत्यु शंका नमे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं
जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है, और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं, और मैं इतना ही कहता हूं जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारे कितना महत्व रखता है, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है। तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है,
और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से चार धाम यात्रा का महत्व रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर हो लें, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी, बच्चों को घर में सिखाया जाता था सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनरम, बचपन में सिखाया जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी दो दिन पहले
अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान है उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालरी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए, ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर
यहां प्रकट हुई जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिन्होंने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हमारी आस्था को बांध करके रखा, हमारी आस्था को कभी खरोच तक नहीं आने दी, गुलामी के कालखंड में ये छोटी सेवा नहीं थी। क्या आजादी के कालखंड में उस महान सेवा को, उसको पूजना, उस पर तर्पण करना, वहां तप करना, साधना करना, क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का कर्तव्य नहीं है? और इसलिए मैं कहता हूं, एक नागरिक के तौर पर हमें इन पवित्र स्थानों को भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उन स्थानों की महिमा को जानना चाहिए। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए, आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं, हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है।
21वीं शताब्दी का यह तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, और कोरोना ना ये कोविड ना होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है, सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं, माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं वे भी होम स्टे को पसंद करने लगे हैं, रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं, मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं पलायन रुकना है, मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की चार दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है, और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के दो या पांच परिवार को वैक्सीनेशन देकर के रात रात चल करके घर पहुंचना होता है, कष्ट कितना होता है मैं लाड लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है, क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर
उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। बाबा केदार की भूमि से, आप सबके आशीर्वाद से, देश के कोने कोने से संतों के, महंतों के, ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के आशीर्वाद के साथ आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। मैं एक बार फिर भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से लेकर के छठ पूजा तक अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपना बहुमूल्य समय आज देवभूमि के लिए निकाला। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की योजनाओं के